सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आपको पढ़ा रही थी कक्षा 11वीं जीव विज्ञान में लेशन 18, है ना, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। कशेरुक जंतुओं में जितने भी कशेरुक जंतु जो होते हैं, मतलब जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, उसमें क्या होता है, बंद परिसंचरण पाया जाता है। और ये बंद जो परिसंचरण तंत्र होता है वो जटिल होता है, ठीक है। इनका परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रुधिर होता है, लसिका होता है, हृदय और रुधिर वाहिनियों का बना होता है। जलीय जंतु जो हैं, जलीय जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, जलीय जंतु जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनमें क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त भी होता है, क्योंकि उसमें जो चैम्बर्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, किसी में दो होते हैं और किसी में लगभग तीन होते हैं, पूर्णतः चार नहीं होते हैं। ये ऑक्सीजन युक्त होते हैं और ऑक्सीजन रहित मिलकर क्या बनाते हैं, परिसंचरण करते हैं। लेकिन जो मतलब जो परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, हृदय कहलाता है, जो कि जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है, स्पंदित होते रहता है ना, हार्टबीट धक धक का जो आवाज आता है आपके हृदय से वही है, ठीक है। यह अपने स्पंदन के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। जब स्पंदन होता है तो वो क्या कहता है, पंपिंग होता है, पंपिंग मतलब ब्लड आता है और ब्लड वहां से शुद्ध ब्लड जो है वो जाता है, या शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त अर्थात शुद्ध रक्त को भेजने के लिए ग्रहण किए गए अशुद्ध रक्त को पहले श्वसन अंगों को भेजता है तथा वहां से प्राप्त होने वाले शुद्ध रक्त को ही शरीर के अन्य भागों में भेजता है। देखो क्या होता है कि शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें अशुद्ध रक्त भी होता है। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन रहित ब्लड को रक्त को हम लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त। वो क्या होता है, पंपिंग के थ्रू हार्ट में आता है और हार्ट में आने के पश्चात क्या करता है, हार्ट जो होता है उसको भेज देता है श्वसन अंग में। कहां भेज देता है, श्वसन अंग में, फेफड़े में। तो फेफड़े में क्या होता है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है और ब्लड को शुद्ध कर देता है, ठीक है। फिर वो ब्लड जो शुद्ध हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है उसको क्या कहते हैं, वो फिर से हृदय में जाता है और हृदय के थ्रू वो क्या किया जाता है, फिर अन्य भागों में भेज दिया जाता है। हमारा जो हृदय का मतलब जो मनुष्य होते हैं उनमें हृदय जो होता है उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन विहीन रुधिर पूर्णतः अलग अलग परिसंचरण करते हैं। मतलब क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है वो चार चैम्बर से मिलकर बना होता है। तो क्या होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त एक साइड, मतलब इसका क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन विहीन, शुद्ध और अशुद्ध रक्त बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन विहीन दोनों क्या होते हैं, अल्पूर्णता अलग अलग परिसंचरण करते हैं। इसमें ऑक्सीजन विहीन जो हृदय होता है वो दाएं वेश्म राइट चैम्बर। अब राइट चैम्बर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट चैम्बर, ये हो गया आपका राइट चैम्बर। तो जो राइट चैम्बर में क्या होता है, राइट चैम्बर में जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, सॉरी अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेस। ये क्या होता है, यहाँ पे एकत्रित होता है और एकत्रित होने के बाद फेफड़े में वापस चला, फेफड़े में भेज दिया जाता है। वहां से ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है वो पुनः हृदय के बाई ओर के वेश्म में आ जाता है, इसमें आ जाता है, फिर लेफ्ट में आ जाता है। इसी प्रकार के परिसंचरण को यह बाई ओर से वेश्मों में फुसफुसीय परिसंचरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुसफुसीय श्वसन कहते हैं, जो स्पंदित होने के कारण होता है। यह बाई ओर के वेश्मों में संग्रहित रक्त को सिस्टमिक महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। किसके द्वारा, जो शुद्ध रक्त होता है उसको कहाँ से भेजता है, तो सिस्टेमिक महाधमनी जो होता है, सिस्टेमिक महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को भेज देता है। इस प्रकार के परिसंचरण को देही या सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण कुछ सरीसृपों में, रेप्टाइल्स में, पक्षियों में तथा स्तनियों में पाया जाता है। ऐसा परिसंचरण जिसमें रुधिर दो बार हृदय में, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें क्या होता है, जो रुधिर होता है, ब्लड जो होता है वो दो बार हृदय से होकर जाता है, उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में भी बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है? तो अशुद्ध रक्त जो होता है वो राइट वेंट्रिकल्स में आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वो राइट आर्टिकल्स में आता है, किसमें आता है, बाया आर्टिकल में आता है, और उसके बाद वो दाया वेंट्रिकल में चला जाता है, किसमें चला जाता है, दाया वेंट्रिकल में चला जाता, सॉरी बाया वेंट्रिकल में चला जाता है, वहां से फेफड़े को छोड़कर अन्य भागों में ये दाया अंडलिंद में आ जाता है। इस प्रकार का ये सर्कुलेशन चलता रहता है। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है वो मांसल, हृदय एवं नलिका का रुधिर वाहिनियों द्वारा बनता है। इसमें रुधिर प्रवाहित होता है इसलिए इसे रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के रुधिर तंत्र में तथा सिराएं आती हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है, हार्ट ऑफ ह्यूमन, हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच उपस्थित रहता है। यह तिकोना शंक्वाकार खोखली रचना के रूप में दोहरी झिल्ली से ढका रहता है, जिसे हृदयावरण या फिर पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच स्थित द्रव को पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। देखो मनुष्य का हृदय का संरचना कैसे होता है इसमें पढ़ते हैं। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच, वक्ष गुहा मतलब छाती में दोनों जो फेफड़े होते हैं, ऐसा फेफड़ा जो फैला होता है उनके दोनों के बीच में रहता है। यह तिकोना शंक्वाकार खोखली रचना के रूप में रहता है, तिकोना होता है इस प्रकार का, खोखली संरचना के रूप में होता है जो दोहरी झिल्ली से ढका होता है। उसका जो आवरण होता है वो दोहरी दो झिल्ली से ढका होता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों पेरिकार्डियल झिल्ली जो होता है, दोनों पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच, मतलब अभी इसमें दो झिल्ली हो गया इस प्रकार का, तो दोनों के झिल्ली के बीच में फ्लूड पाया जाता है। इस फ्लूड को बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। यह द्रव जो होता है हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है, मतलब जो बाहर से आघात होगा, कोई भी ठेस पहुंचेगा या फिर कुछ भी होगा, उससे वो रक्षा करता है। ठीक है, मानो हृदय की बाहरी संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। हृदयावरण झिल्ली के भीतर तीसरी भीतरी स्तर को क्या बोलते हैं, विसरल लेयर, तथा बाहरी स्तर को पेराइटल लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो भीतरी होगा उसको विसरल लेयर हो गया, भीतरी झिल्ली को क्या बोलेंगे, विसरल लेयर, तथा बाहरी स्तर को क्या बोलेंगे, पेराइटल स्तर कहते हैं। संपूर्ण हृदय रेखित और अनैच्छिक हृदय पेशियों का बना होता है। जो संपूर्ण हृदय क्या होता है, किससे बना होता है, रेखित और अनैच्छिक हृदय पेशियों का बना होता है, जिसके कारण ही हृदय जीवन पर्यंत अनथक रूप से गतिशील रहता है। ठीक है, पुरुषों में औसतन 300 भार ग्राम वाला हृदय होता है, मतलब जो मनुष्य में अगर पुरुषों में देखेंगे तो हृदय का भार जो होता है वो 300 ग्राम वाला होता है, और महिलाओं का जो होता है वो लगभग 250 ग्राम वाला होता है। हृदय जो लगभग होता है 12 सेंटीमीटर लंबा तथा मतलब लगभग 5 इंच लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसकी मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। हृदय की जो दीवार होती है वो भूरे रंग की होती है, जिसे हृदय भित्ति कहते हैं, जो 3 स्तरों से बनी होती है। हृदय की जो भित्ति होती है वो कितने स्तरों की बनी होती है, हृदय की जो दीवार होती है वो भूरे रंग की होती है, और 3 भूरे रंग की होती है, जिसे हृदय भित्ति कहते हैं, जो कि 3 स्तरीय होती है। इसके बाहरी स्तर को एपिकार्डियम कहते हैं, या संयोजी ऊतकों की बनी होती है। एपिकार्डियम जो होती है वो किससे बनी होती है, संयोजी ऊतकों की बनी होती है, तथा हृदय की जो बाहरी आघात से रक्षा करती है। हृदय भित्ति का मध्य स्तर जो होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्डियम। हृदय पेशियों की बनी होती है, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक लक्षणों को धारण करती है। इसमें जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक लक्षणों वाली भी होती है और अनैच्छिक लक्षणों वाली भी होती है। इन्हीं कारण हृदय अपने स्पंदन को जीवन पर्यंत जारी रखता है। हृदय भित्ति का सबसे अंदर का जो स्तर होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। 3 स्तर का बना होता है, तो जिसमें सबसे बाहरी स्तर होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, दूसरा होता है मीजोकार्डियम जो बीच में होता है, और सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम, या कोमल तथा पतली स्तर का होता है। इन्हीं की कोशिकाओं से हृदय पेशियों का निर्माण होता है। पेरिकार्डियम के स्तर जो है, देखो ये है एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। आप देखते हैं हृदय की संरचना। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, या फिर उसमें सेप्टा द्वारा अशुद्ध भागों में बटा रहता है। दोनों भागों के बीच की पूरी लंबाई में एक सेप्टा होता है, मतलब अगर इस प्रकार का है तो इसमें जो बीच में एक लाइन होता है उसको बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, पट पाया जाता है। दाई तरफ के ऊपरी कोष्ठ को चैम्बर तथा दाया आलिंद कहते हैं। ये देखो इस टाइप का होगा, इसको बोलेंगे दाया आलिंद। निचला जो कोष्ठक होता है उसको बोलते हैं दाया नीले।
इसको बोलेंगे बायां आलिंद और इसको बोलेंगे बायां नीले। क्लियर। आलिंद नीलियों की अपेक्षा गहरे रंग का होता है। आलिंद जो होता है वो नीलियों की अपेक्षा गहरे रंग का होता है तथा इनकी दीवारें भी क्या होती है, पतली होती है। दोनों ही आलिंद तथा नीले एक दूसरे से पृथककृत रहते हैं। नीले की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती है। जो नीले होते हैं उनका जो दीवार वेंट्रिकल जो होते हैं उनकी दीवारें जो होती है वो मोटी होती है, अतः रक्त को यह अधिक दाब उत्पन्न कर शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करता है। अगर दोनों आलिंदों के बीच स्थित पट को क्या बोलेंगे, अंतरा आलिंद पट बोलेंगे। दोनों आलिंद ये है, दोनों आलिंद के बीच जो है उसको बोलेंगे अंतरा आलिंद पट, और दोनों नीलयों के बीच जो स्थित पट होता है उसको बोलेंगे अंतरा नीलय पट। दाहिने आलिंद में अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा खुलती है। जो दाहिने आलिंद होता है, जो दायां आलिंद होता है, इसमें अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा खुलती है। क्या होता है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा खुलता है। यह दाहिना नीलय से दायां आलिंद नीलय रंध्र के द्वारा संबंध रहता है। यह किससे संबंध रहता है, दायां आलिंद नीलय रंध्र से संबंध रहता है, जो कि त्रिदल कपाट ट्राइक्यूस्पिड वाल्व द्वारा परिरक्षित रहता है। बाएं आलिंद में एक ही छिद्र होता है, जो बायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद जो होगा उसमें सिर्फ एक ही छिद्र होता है जिसको फुसफुसीय सीरा के लिए होता है, जिसकी गुहा बायां आलिंद नीलय रंध्र में खुलती है। एक छिद्र एक द्विवलन कपाट के द्वारा फुसफुसीय महाधमनी तथा बाएं नीलय परिरक्षित रहता है। दाएं नीलय के अग्र भाग सिरे के से अगले भाग से दैहिक महाधमनी निकलती है, सिस्टेमिक अरोटा निकलती है बाएं आलिंद तथा बाएं महाधमनी द्वारा। बाएं आलिंद जो होता है, मतलब यहाँ पे आ गया बाएं आलिंद, ये हो गया। देखो दायां आलिंद बायां आलिंद, ठीक, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीलय और बायां नीलय। दाएं नीले के अग्र बाएं सिरे से अगले भाग से दैहिक महाधमनी निकलती है। बाएं आलिंद महाधमनी, बाएं आलिंद जो होता है ये बायां आलिंद है तथा महाधमनी दाहिने नीले एवं फुसफुसीय धमनियों के बीच अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जो रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं। अर्थात जो नीलियों से महाधमनी में तो जाने देते हैं, लेकिन महाधमनी से नीले में नहीं आने देते। महाधमनी जो होता है उसे नीले में जाता है ब्लड, लेकिन महानीले से महाधमनी में नहीं आता है। क्लियर। इस संरचना का आप अध्ययन अच्छे से करेंगे और इसमें जितने भी नाम दिए हुए हैं इसको लिखेंगे, क्योंकि ये जो संरचना है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये संरचना आप याद नहीं रख सकते तो इस प्रकार का संरचना आप बना सकते हैं। ये वाली संरचना। अब इसमें एक और चीज आया, जब हम लोग हृदय की संरचना पढ़ रहे थे, द्विवलनी कपाट बाइक्यूपिस्ड कस्पिड वॉल्व और त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या होते हैं और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये कभी कभी एक दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कपाट जो होते हैं जिसमें दो वलन या दल होते हैं उसको बाइकस्पिड द्विवलनी बोलते हैं, और इसमें तीन होते हैं, नाम से स्पष्ट है। दो वलन का आकार जो होता है वो समान होता है, जबकि त्रिवलन का आकार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। दो वलन में क्या होता है, द्विवलनी में आक्षिकृत रुधिर को बाएं आलिंद में वापस जाने से रोकता है, जबकि त्रिवलनी में क्या होता है, अनाक्षिकृत रुधिर को दाएं आलिंद में वापस जाने से रोकता है। द्विवलनी का पाठ क्या होता है कि इसमें बाएं आलिंद नीलय छिद्र के पास होता है, जबकि त्रिवलनी का पाठ में यह दाएं आलिंद नीलय क्षेत्र के छेद में क्षेत्र में होता है। हृदय के कपाट और उसके कार्य। हृदय में निम्नांकित प्रकार के कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर के बहाव को नियंत्रित करते हैं। दायां आलिंद और नीलय के बीच दायां आलिंद नीलय कपाट जो होता है, फिर बाएं आलिंद और नीलय के बीच में क्या होता है, बायां आलिंद और नीलय कपाट होता है। जैसे ये हो गया,
दायां और दायां, आलिंद और नीले, ठीक। तो इनके मध्य में जो कपाट पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, दाहिना आलिंद नीले कपाट। बायां जो होता है, दायां आलिंद और नीले के बीच में होता है ये वाला ना, और बायां के बीच में ये वाला होगा, ठीक। तो दोनों के बीच में आलिंद नीले कपाट, दोनों कपाट नीले की दीवार में लटके रहते हैं और धागे के जैसा कंडरा रज्जू या कॉर्डेटेड द्वारा भीतरी दीवार से जुड़े रहते हैं। ये दोनों कपाट जो होते हैं आलिंद से नीलय में रुधिर जाने तो देते हैं आलिंद और रुधिर, लेकिन नीलय से आलिंद में वापस लौटने नहीं देते। क्या करते हैं, लेकिन जो नीलय होता है उससे आलिंद में वापस लौटने नहीं देते। बाय नीलय एवं महाधमनी के बीच अर्ध चंद्राकार कपाट होते हैं। बाया नीलय, बाया नीलय किसको बोलेंगे, अब ये बाया नीलय हो गया, बाया नीलय और महाधमनी के बीच अर्ध चंद्राकार कपाट होता है, ठीक है। वॉल्व होता है इस प्रकार का जो रुधिर को नीलय से महाधमनी में जाने तो देता है लेकिन वापस लौटने नहीं देता है। दाएं नीलय में फुसफुसीय धमनी के उद्भव स्थान पर स्थित तीन अर्ध चंद्राकार कपाट होते हैं जो कि रुधिर को केवल दाहिने नीलय से फुसफुसीय धमनी में जाने तो देते हैं परंतु धमनी में वापस आने नहीं देते हैं। दाएं आलिंद में दो सिराएं, एक अग्र महाशिरा तथा एक पश्च्य महाशिरा आकर खुलती है। तो जो अग्र महाशिरा होता है वो अग्रभाग में, और जो अग्रभाग तथा सिर में तथा पश्च्य महाशिरा जो होता है वो शरीर के पश्च्य भाग से ऑक्सीजन विहीन रुधिर को लाती है। इन दोनों के अलावा एक कोरोनरी सीरा जो कि हृदय की दीवार को लाती है वह भी इस आलिंद में खुलते हैं। बाया आलिंद से, जो बाया आलिंद होता है उसे चार बड़ी फुसफुसीय सिराएं खुलती है जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़े में लाती है। रुधिर जो होती है हमेशा रुधिर से भरा, हृदय जो होता है वो हमेशा रुधिर से भरा होता है। इसकी दीवार को रुधिर एक जोड़ी अलग धमनी तथा सिरा द्वारा क्रमशः पहुंचाया एवं लाया जाता है जिन्हें क्रमशः कोरोनरी धमनी तथा कोरोनरी सिरा कहते हैं। दैहिक महाधमनी जिस स्थान पर हृदय से निकलती है वहां पर थोड़ी चौड़ी होती है, इस चौड़े भाग को क्या बोलते हैं, महाधमनी कोटर कहते हैं। यहीं से दोनों कोरोनरी धमनियां निकलती है तथा हृदय की दीवार के लिए रक्त को ले जाती है। रक्त हृदय की दीवार से, रक्त जो होता है हृदय की दीवार से अंततः कोरोनरी सिरा के रूप में दाहिने आलिंद में लौटा देती है। यह है परिसंचरण के चरण। जब बाया आलिंद होता है वो संकुचित होता है। बाया आलिंद जो होगा मतलब ये ऊपर वाला जो आलिंद होगा वो संकुचित होता है, तो इसका रक्त जो होता है आलिंद नीले छिद्र से बाय कस्पिट कपाट को खोलकर बाय नीले में आ जाता है और बाय नीले संकुचित हो जाता है। तो बाय आलिंद नीले छिद्र का कपाट बंद हो जाता है और रक्त दैहिक महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से इसका पथ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब है वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है हृदय। तो रक्त परिवहन हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह हमेशा एक क्रमिक अंतराल पर सिकुड़ता है और फैलता है। धक धक जो करता है तो एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो जब हृदय फैलता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंड। जो शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त को ऊर्ध्व अधो महाशिरा द्वाहिनी आलिंद में लाता है और यह अशुद्ध रक्त को नीलय में जाकर फुसफुसीय महाधमनी द्वारा फेफड़े में जाता है और ऑक्सीजन को प्राप्त कर ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध हो जाता है। क्या करता है कि जब जो हृदय होता है जब फैलता है, एक्सपेंड करता है, फैलना मतलब हो गया एक्सपेंड करना, तो क्या करता है, फैलता है तो विभिन्न भागों का जो अशुद्ध रक्त होता है वो ऊर्ध्व और अधो महाशिरा द्वारा कहाँ जाता है, दाहिने आलिंद में आ जाता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, जब उसको दाहिने आलिंद में आ जाता है उसके बाद उससे फेफड़े में पहुँचता है, फेफड़े में जाकर वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। यह शुद्ध रक्त फुसफुसीय सिरा द्वारा दाहिने आलिंद में आ जाता है, यहाँ से बाएं नीले में पहुँचता है, बाएं आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद से बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीलय में आता है। और इस स्थिति में जब दोनों नीलय सिकुड़ते हैं, फिर से एक बार दोनों नीलय सिकुड़े तो क्या होगा, बाएं नीलय से शुद्ध जो रक्त होता है वो रुधिर महाधमनी तथा इसकी शाखाओं द्वारा विभिन्न भागों में चला जाता है। इस प्रकार जो रुधिर होता है हृदय से दो बार जाता है, एक बार दाहिने से बाएं और दाहिने से दाहिने ओर से तथा दूसरी बार बाएं ओर से। इस प्रकार रुधिर परिवहन को द्विगुणित परिवहन कहते हैं। रुधिर परिवहन के इस तथ्य का सर्वप्रथम विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था, सिकुड़ने और फैलने अर्थात संकुचन और शिथिलन की क्रिया को। जो हृदय पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन के कारण होता है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ के बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। हृदय के सिकुड़ना और फैलने की क्रिया को हार्ट बीट, हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कन एक संकुचन या सिस्टोल तथा शिथिलन को डायस्टोल।
कहते हैं। संकुचन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और संकुचन जो होता है जब सिकुड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब शिथिल होता है ना उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ये दोनों से ही मिलकर बनता है हमारा हार्ट बीट। विश्रामावस्था की स्थिति में सामान्यतः धड़कन जो होती है वो उसका जो विश्रामा मतलब हम लोग रिलैक्स होते हैं, मनुष्य जब रिलैक्स होता है तो उसका धड़कन जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और इसके अगर हृदय का स्पंदन 1 बार में 70 मिलीलीटर रुधिर को धमनियों में ढकेलता है और पंप करता है। रक्त का यह आयतन जो होता है अर्थात 70 मिलीमीटर का जो स्ट्रोक आयतन होता है, स्ट्रोक आयतन बोलेंगे SV, ठीक है, स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो हृदय की धड़कन को हृदय गति हार्ट रेट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप की एक गुणा की जाने वाले रुधिर की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हृदयक आउटपुट। क्या बोलते हैं? हृदयक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट CO बोलते हैं। हृदयक आउटपुट इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लीकेशन जब विश्रामावस्था में होते हैं, तो विश्रामावस्था में मनुष्य होता है तो अगर रक्त का जो पंपिंग है उसकी मात्रा को ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लीकेशन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम करेंगे, तो हमारा जो विश्रामावस्था में है उसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो लगभग लगभग 5 लीटर के लिए क्या होगा? 72 हो गया ये मान के चलो, और ये हो गया 70, तो इज इक्वल टू 5040 ml के आसपास आता है। अगर व्यायाम करते हैं तो 15 से 16 लीटर प्रति मिनट से बढ़कर 20 लीटर प्रति मिनट रक्त जो है वो एक बार में पंप करता है हृदय। संकुचन, सिस्टोल और डायस्टोल में अंतर क्या होता है? ठीक है, डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो संकुचन जो होता है हृदय चक्र की इस प्रक्रिया में हृदय पेशियों के क्रमिक संकुचन होता है, जबकि शिथिलन जो होता है इस प्रक्रिया में हृदय पेशियों के क्रमिक शिथिलन होता है। संकुचन जो होता है इसके कारण हृदय रक्त से बाहर की ओर भेज दिया जाता है, जबकि शिथिलन जो होता है वो हृदय में फिर से रक्त भरने लगता है। संकुचन जो होता है इसमें हृदय का माप कम हो जाता है, जबकि शिथिलन में क्या हो जाता है? वास्तविक आकार में पुनः आ जाता है। देखो उसके बाद क्या हो गया, आपको पता चल गया कार्डियक आउटपुट, SV पता चल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखते हैं इस प्रक्रिया में हृदय की जो दोनों आलिंद होती है एक साथ संकुचित होती है, जो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद दोनों एक साथ संकुचित होगी और दोनों निलय जो होंगे वो एक साथ संकुचित होते हैं। हृदय की धड़कन का प्रारंभ में क्या होता है? दाहिने आलिंद का जो भाग होता है उसके जो उत्तक होते हैं वो एक समूह से शुरू होते हैं, जिसे सीरा आलिंद नोड कहते हैं, SA नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा आलिंद नोड, सिन्यूरिक्युलर नोड, SA नोड कहते हैं। हृदय धड़कन का आवेग जो होता है किसको बोलेंगे? जो दाया आलिंद होता है, दाए आलिंद के ऊपरी भाग में जो स्थित उत्तक होते हैं उनका जो समूह होता है वहां से संकुचन शुरू होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सीरा आलिंद नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा आलिंद नोड। हृदय की धड़कन का आवेग तरंग के रूप में हृदय में प्रसारित होता है तथा जिस पेशी तंतु से गुजरता है उसे संकुचित कर देता है। ऐसा ही एक नोड जो होते हैं वो दोनों आलिंदों के बीच पट के आधार में भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? आलिंद निलय नोड कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? AV नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीनू ऑरिकुलर नोड। ठीक, हृदय का जो धड़कन होता है उसका आवेग जो होता है तरंग के रूप में हृदय में प्रसारित होता है, जिसे पेशी तंतु से गुजरता है उसे संकुचित कर देता है। ऐसा ही एक नोड होता है जो दोनों आलिंदों के बीच पट के आधार में भी पाया जाता है, जो दोनों आलिंद होते हैं उनमें पट के आधार में भी पाया जाता है, जिसे बोलते हैं आलिंद निलय नोड। ठीक है, दोनों ही नोड अपनी संरचनाओं में समानता प्रदर्शन करते हैं तथा पेशी तंत्रिका तंत्र तथा तंत्रिका कोशिकाओं के बने होते हैं। आलिंद निलय नोड जो होते हैं दो विशेष प्रकार के तंतुओं का एक बंडल विकसित होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आलिंद और निलय नोड के बीच एक तंतुओं का नोड होता है, उसको बोलते हैं हिज बंडल। उनकी शाखाओं को पुरकिंजे तंतु कहते हैं। सीरा आलिंद नोड और आलिंद निलय नोड जो होता है हिज का बंडल आदि द्वारा पेसमेकर तंत्र का निर्माण होता है, जो कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, जो शिथिलन और संकुचन होता है उसको क्रिया को नियंत्रित करता है। इस तंत्र को सीरा आलिंद नोड पेसमेकर कहते हैं। हृदय स्पंदन के लिए सीरा आलिंद नोड से बहुत ही मंद विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हृदय पेशियों में संकुचन के साथ साथ दोनों आलिंद में संकुचन होता है। इसे आलिंद निलय नोड उद्दीपित होता है, जो कि हृदय के बाएं तथा दाएं भाग में स्पष्ट होता है। इस नोड से उत्तकों का एक समूह जिसे हिज का बंडल कहते हैं
वो दो शाखाओं में जाकर दूर होकर विभक्त हो जाता है, ठीक है। एक शाखा बाएं तथा दूसरी शाखा जो होती है दाहिने और नीले की भित्ति में जाकर बार बार विभाजित होकर पुरकिंजे तंतुओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पुरकिंजे तंतुओं का निर्माण करती है। एवी जो नोड होता है ऑरिकुलर जो नोड होगा वो क्या होगा? उद्दीपन पुरकिंजे तंतुओं में जाता है जिससे दोनों नलियों में संकुचन होता है। सीरा आलिंद नोड एवं आलिंद नीले इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर हम लोग हार्ट को डिस्क्राइब करेंगे तो इसको इस पिक्चर को भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से जो बनता है। रोगी के हृदय की गड़बड़ी या बीमारी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ऐसे नोड का एवी नो सीओ पढ़े है ना हम लोग, कार्डियक आउटपुट पढ़े, ऐसे नोड पढ़े, ठीक। और क्या पढ़े हम लोग? देखो यहाँ पे ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं इन सब चीज़ को आप याद रखेंगे। ऑरिकुलर एवी नोड, एवी नोड को क्या बोलेंगे? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड को बोलेंगे सीनो ऑरिकुलर नोड, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पुरकिंजे तंतु किसको बोलते हैं ये पूछा जाता है, हिस्का बंडल किसको बोलते हैं ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। देन इसके बाद एक और चीज़ बताया गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम लोग का जब हार्ट बीट होता है या फिर हार्ट का जो बीमारी होता है उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा सीरा आलिंद नोड उत्पादित विद्युत धारा को रेखांकित चित्र अंकित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है? ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो मशीन होता है, उससे जब हम लोग यूज करते हैं तो एक रेखांकित चित्र प्राप्त होता है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो किस प्रकार से गति कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। किसी कारणवश जब सीरा आलिंद नोड सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में हृदय स्पंदन को सामान्य बनाए रखने के लिए कृत्रिम पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। सीरा आलिंद नोड और आलिंद नीले नोड में अंतर क्या होता है? ऐसे नोड और एवी नोड में अंतर, तो ऐसे नोड जो होता है उसको हृदय का पेसमेकर कहते हैं जबकि एवी नोड को ऐसी मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसे नोड में जो होता है पुरकिंजे तंतु नहीं होते जबकि एवी नोड में पुरकिंजे तंतु पाए जाते हैं। ऐसे नोड जो होता है दाए आलिंद की दीवार में स्थित होता है जबकि एवी नोड जो होता है आलिंद नीले के संपर्क पर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। ऐसे नोड जो होता है हृदय स्पंदन का आरंभन होता है, यह हृदय गति नियंत्रक की तरह क्रियाशील होता है जबकि एवी नोड जो होता है हृदय आवेग का संचालन करता है तथा गति नियंत्रण में आंशिक रूप से मदद करता है। ऐसे नोड जो होता है इसके उद्दीपन के कारण दोनों आलिंद जो होते हैं वो संकुचित होते हैं जबकि एवी नोड जो होता है इसके उद्दीपन से नीले संकुचित होते हैं। हृदय चक्र का या फिर कार्डियक चक्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जो होता है वो दोनों आलिंदों के संकुचन और दोनों निलयों के संकुचन के फलस्वरूप एक प्रक्रिया जो होती है उसको लगातार चलती रहती है। उसे एक दूसरे से स्पंदन जब आरंभ होता है जो भी उसे कार्डियक चक्र कहते हैं। तो कार्डियक चक्र में कौन कौन से क्रम होते हैं? तो पहला होता है आलिंद का संकुचन, यह क्या होता है? हृदय की धड़कन की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें दोनों आलिंद तथा निलय होते हैं शिथिलित हो जाते हैं, ठीक है, शिथिलन की अवस्था में रहते हैं। इस स्थिति के कारण आलिंदों में दबाव कम रहता है तो जिसके कारण सीरा का रुधिर इसमें भर जाता है। इसके बाद आलिंद नोड से आवेग शुरू होता है जिसके कारण आलिंद क्या होता है? संकुचित होना प्रारंभ कर देता है। फिर है नीले संकुचन, नीले संकुचन की प्रक्रिया होती है जब आलिंद में आलिंद नोड जो होता है उसमें से पैदा हुआ जो आवेग होता है वो आलिंद नीले नोड को स्पर्श करता है तो यह आवेग जब बंडलों द्वारा नीले में चला जाता है, जो बंडल होते हैं उसके द्वारा नीले में चला जाता है जिसके कारण दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप आलिंद नीले का कपाट बंद हो जाता है जो महाधमनियों की दाब की तुलना में कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो महाधमनी का कपाट होता है वो खुलकर फुसफुसीय महाधमनी में तथा दैहिक महाधमनी सिस्टेमिक अरोटा में चला जाता है। नीले संकुचन के प्रारंभ में आलिंद नीले के कप जब नीले संकुचित होता है तो आलिंद नीले का जो दीवार होता है वो क्या होता है? उसका जो कपाट होता है वो बंद होने के कारण प्रथम ध्वनि लब सिस्टोल साउंड पहला जो ध्वनि होता है वो लब का उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर है संयुक्त शिथिलन, इस अवस्था में क्या होता है? आलिंद और नीला दोनों जो होते हैं शिथिलित अवस्था में आ जाते हैं तो इसमें आलिंद नोड से पैदा हुआ आवेग जो होता है वो आलिंद और नीले का जो कपाट होता है को स्पर्श करता है। यह आवेग जो होता है हिज बंडलों द्वारा नीले में चला जाता है जिसके कारण दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं और इसके अंदर दाब बढ़ जाता है। जब दोनों नीले क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे तो उसके अंदर दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने से क्या होता है? आलिंद नीले जो होता है उसका जो कपाट होता है वो बंद हो जाता है।
हृदय स्पंदन एवं स्पंद में अंतर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट जो होता है और पल्स क्या होता है, पल्स, दोनों में अंतर क्या होता है? तो हृदय स्पंदन जो होता है इसमें हृदय के निलय भाग को क्रमशः संकुचन और शिथिलन होता है, जबकि स्पंद जो होता है उसमें क्रमवत संकुचन व शिथिलन होता है। जैसे धमनी, यहाँ से हम लोग पल्स नापते हैं, पल्स चेक करते हैं, जब डॉक्टर जाओगे आप यहाँ से चेक करते हैं, उसको बोलते हैं पल्स स्पंद, ठीक है। और हार्ट बीट क्या होता है, यहाँ होता है, क्लियर। इसमें संकुचन एवं शिथिलन की तरंगे ऐसे और एवी नोड द्वारा उत्पन्न हृदय के प्रेरणाओं के कारण होता है, जबकि स्पंद जो होता है आक्षिकृत रक्त के धमनी तंत्र में बाह्य निलय द्वारा लयबद्ध पंपिंग के कारण होता है। हृदय स्पंदन जो होता है वो हृदय पेशियों द्वारा हृदय स्पंदन की क्रिया होती है, जबकि स्पंद में क्या होता है, सपाट पेशियां धमनियों के लयबद्ध फैलाव से प्रयुक्त होता है। हृदय स्पंदन की दर को स्वायत्त या तंत्रिका तंत्र शारीरिक श्रम हार्मोन द्वारा प्रभावित होते हैं, जबकि स्पंद जो होता है हृदय स्पंदन दर से सीधे संबंधित होता है, संपादित होता है। अब है हार्ट रिथमिसिटी, हृदयक गति लयता। सतत एक एवं क्रमिक संकुचन और शरीर के रुधिर को एकत्रित और पंपिंग करने के पश्चात हृदय का शिथिलन ही हृदय का स्पंदन या धड़कन कहलाता है। हृदय में क्या होता है, क्रमिक संकुचन और शिथिलन होता है, उसको क्या बोलेंगे, स्पंदन या धड़कन। इसका निश्चित क्रम जो होता है वो हमेशा चलते रहता है, एक लय में चलते रहता है, इसको हृदय लयता या फिर हृदय गति लयता या स्पंदन दर के रूप में निरूपित करते हैं। यह प्रति मिनट हृदय के स्पंदों कार्डियक चक्रों की संख्या के दर से कहलाती है। हृदय गति में कमी को क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया, तथा हृदय गति में वृद्धि को टैकीकार्डिया कहते हैं। हृदय की गति में अगर कमी हो जाती है, धीरे धीरे गति कम लय करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया, और अगर तेजी से करता है तो उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। ओके, लयात्मकता आवेग के प्रकार, टाइप ऑफ इम्पल्सिस ऑफ रिथमिटिसिटी। नेक्स्ट है आपका, इसमें सीरा आलीन नोड हृदय का मुख्य उत्तक होता है। जो सीरा आलीन का नोड जो होता है वो किसका मुख्य उत्तक होता है, हृदय का मुख्य उत्तक होता है। यह 70 से 80 बार प्रति मिनट की दर से स्वतः लयात्मकता प्रदर्शित करता है, किंतु इनका संवहनशीलता कम होता है। इसके उत्पन्न लयात्मकता आवेग साइनस रीमिया कहलाती है। फिर है आलीन निलय नोड, एवी नोड, इसमें सीरा या फिर ऐसे नोड एवी नोड द्वारा उत्पन्न हृदय आवेग का संवहन करता है, किंतु ये 40 से 60 बार प्रति मिनट की दर से आवेग को उत्पन्न कर सकता है, आवेग लयात्मकता होते हैं एवं नोडल रिद्धियां कहलाते हैं। आलिंद एवं निलयों की मायोकार्डियम असतत होती है, तथा केवल हिज बंडल ही दोनों मध्य पेशी संयोजक का कार्य करती है, किंतु 35 से 40 बार प्रति मिनट की दर से आवेग भी उत्पन्न कर सकता है। इसके द्वारा अलयात्मक आवेग उत्पन्न होता है। फिर सीरा आलिंद नोड हृदय स्पंदक की मौलिक लय को बनाए रखता है, इसे ट्रांस की आलिंद निलय एवी नोड भी उत्पन्न कर सकता है, जिसमें एरिथमेटिया नाम दिया गया है। असामान्य स्पंदन, जिसमें क्या होता है, जो कपाट होता है वो पूर्ण बंद नहीं हो पाता है, तो यह ध्वनि उत्पन्न होता है, और ध्वनि जो वाल्व के खराबी के कारण होता है, जैसे कस्पिड वाल्व सिकुड़ जाते हैं। हृदय ध्वनि या हार्ट साउंड जो होता है हृदय स्पंदन के दौरान उत्पन्न होने वाली, जब हृदय का स्पंदन होता है तो उसके दौरान उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसको हृदय ध्वनि कहते हैं। यह वास्तव में हृदय के विभिन्न कपाटों के बंद होने और खुलने के कारण होता है। हृदय की जो ध्वनि होती है वो किसके कारण होती है, जो कपाट होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं, उनके कारण जो ध्वनियाँ सुनाई देती है उसको बोलते हैं हृदय की ध्वनि। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम हृदय ध्वनि फर्स्ट हार्ट साउंड को बोलते हैं लब के रूप में होता है, जो स्टेथोस्कोप में सुनाई देता है, जो डॉक्टर्स ऐसे कान में लगा के सुनते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, उसमें सुनाई देते हैं। इसे संकुचन ध्वनि भी कहते हैं। यह ध्वनि नीले के संकुचन से आरंभ को सूचित करता है। यह द्विवलन कपाट तथा त्रिवलन कपाट के बंद होने के कारण होता है। द्वितीय हृदय ध्वनि जो होता है वो डब शिथिलन के कारण उत्पन्न होती है, इसको डब बोलते हैं। इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है, जो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से सुनाई देता है। ये दोनों जो साउंड है उसके पहली ध्वनि लब के बाद द्वितीयक ध्वनि डब सुनाई देती है, उसके बाद विश्राम अवस्था आता है, फिर से पहली ध्वनि लब तथा द्वितीयक ध्वनि डब के रूप में सुनाई देती है, ठीक है। इसके बाद है हृदय स्पंदन की क्रियाविधि का नियमन। इसमें क्या होता है कि हृदय स्पंदन जो है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसमें कैसे कैसे होता है, तो पहला होगा तंत्रिकीय नियंत्रण, इसमें भी कंट्रोल होता है। तो पहला होता है नर्वस सिस्टम जो होता है उसका भी कंट्रोल होता है। यह स्वचालित प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, हैजो की सीरा आलिंद नोड से शुरू होती है।
क्रियाशील रहता है, जो कहाँ से शुरू होता है, शिरा आलिंद नोड से स्टार्ट होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होता है वो मेडुला ऑब्लनगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के द्वारा नियमित होता है। किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लनगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के द्वारा होता है, जिसे हृदय केंद्र कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक सेंटर। मेडुला ऑब्लनगेटा जो होता है माइंड में वहां से संपादित होता है। इस केंद्र में दो भाग होते हैं, पहला होता है कार्डियो निरोधक, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियो इनहिबिटर, तथा कार्डियो द्वारा कार्डियो एसिलेटर के रूप में उपस्थित रहते हैं। पहला भाग जो होता है वो वैगस तंत्रिका के द्वारा अपना आवेग सिरा आलिंद नोड ऐसे नोड में लगातार भेजता रहता है, जबकि जो वैगस तंत्रिका होता है उसके द्वारा वो तरंग भेजता रहता है। जबकि दूसरा भाग जो होता है अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा अपने आवेग को सिरा आलिंद नोड ऐसे नोड में भेजता रहता है। पहला भाग हृदय की गति को धीमा तथा दूसरा जो तेज करता है, जो पहला होता है वैगस नर्व द्वारा वो धीमा करता है और दूसरा जो होता है अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा तेज करता है। फिर है दूसरा हार्मोनल नियंत्रण। हार्मोनल नियंत्रण क्या होता है? थायरोक्सिन तथा एड्रिनेलिन नामक हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स एड्रिनेलिन तथा नॉरएड्रिनेलिन हृदय गति को बढ़ाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है और हृदय गति में वृद्धि करता है। फिर तीसरा है आपका रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। रक्त में उपस्थित जो कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं वह हृदय की गति के नियमन में अपनी भूमिका रखते हैं, जैसे कि सीओ की मात्रा बढ़ने पर उसका पीएच कम हो जाता है, फलतः हृदय की गति बढ़ जाती है। स्थिति यह सत्यापित करता है कि रक्त में अम्लीयता से हृदय की गति जो होती है वृद्धि होती है, जबकि अगर क्षारीयता बढ़ती है तो हृदय की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ भी जो क्या करते हैं? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। इसके प्रभाव से हृदय का संकुचन धीमा हो जाता है। रासायनिक नियमन का खोज का श्रेय ऑटो लोवी नामक वैज्ञानिक को जाता है। फिर है रुधिर वाहिकाएं। मनुष्य में जिन नलिका का रचनाओं से होकर रक्त बहता है उसको क्या बोलते हैं? वेसल्स वाहिकाएं बोलते हैं। ये दो तीन प्रकार के होती है। धमनियां जो आर्टरीज कहलाती है आपस में धमनी तंत्र का निर्माण करती है। ये रुधिर नलिकाओं को शुद्ध रुधिर को हृदय से दूर तंतुओं के शरीर अंगों में ले जाने का काम करती है। इसकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है और आता है इनकी नली क्या होती है? पतली हो जाती है, क्योंकि इसमें कपाट नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसमें जो रक्त होता है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। किसी भी धमनी की भित्ति में तीन सतहें होती है। पहला होता है ट्यूनिका इंटीमा लेटीमा अंतरचोल, जिसको बोलते हैं अंतरचोल, यह सबसे निचली वाली परत होती है। इसमें एक लचीली झिल्ली होती है तथा यह चपटी कोशिकाओं अर्थात एंडोथिलियम की बनी होती है। परत जो होती है धमनियों को लचीलापन प्रदान करती है। फिर बाह्यचोल होता है ट्यूनिका एक्सट्रीमा एक्सटर्ना, यह सबसे बाहरी स्तर होता है। यह मध्य चोल के समान चौड़ी होती है। इस स्तर के निर्माण में कोलेजन तंतु भी भाग लेते हैं और जो मध्य में होती है उसको बोलते हैं मध्य चोल सिराएं। फिर दूसरा होता है सिराएं। सिराओं को एक विशिष्ट प्रकार के रक्त वाहिनियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? सब पूरे शरीर से ब्लड को लाकर हृदय में लाता है अशुद्ध रक्त को, ठीक है। और यह इसके जो दीवारें होती है वो धमनी की अपेक्षा पतली होती है। इसमें भी तीन परत होती है, लेकिन जो बाह्य परत होते हैं उसको छोड़कर कोलेजन तंतु धमनी से अधिक विकसित होते हैं। अन्य परतें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। अंतरचोल और मध्यचोल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, इसलिए जो सिरा होती है वो लचीली नहीं होती है। इसका रुधिर बाहर निकल आता है तब संकुचित हो सकती है। सिराओं में कपाट होते हैं जो रुधिर को हृदय की गति की ओर जाने तो देते हैं परंतु पीछे लौटने नहीं देते हैं। सिरा में कपाट इस प्रकार के पाए जाते हैं। फिर है कैपिलरीज, केशिकाएं, जिसको धमनियों के विभाजन से बनने वाली जो पतली शाखाएं होती है आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल से केशिकाओं के जाल में विभक्त हो जाती है, जिन्हें धमनी केशिकाएं भी कहते हैं, आर्टिकल कैपिलरी कहते हैं। और वैसे ही सिरा की जो कैपिलरीज होते हैं, वेंट्रिकल कैपिलरीज जो होते हैं वो उनकी पतली शाखाओं को बोला जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? भोजन गैसें तथा क्षेप्य पदार्थों का विनिमय रुधिर और तंतु कोशिकाओं के बीच होता रहता है। कोशिकाओं की भित्ति अंत आच्छेदित कोशिकाएं एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। इसमें मध्य चोल तथा बाह्य चोल जो धमनी में पाया जाता है अनुपस्थित रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र में धमनी और सिराए जो होती है, बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें धमनी और सिरा जो होती है आपस में केशिकाओं के द्वारा जुड़ती है। प्रत्येक उत्तक या अंग की कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के चारों तरफ एक द्रव भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। द्रव कहते हैं। इस द्रव के माध्यम से केशिकाएं जो होती है उपयोगी पदार्थ कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के वर्ज्य पदार्थों को केशिकाओं में पहुंचाते हैं। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण पथ जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला होता है दैहिक परिसंचरण, दूसरा फुसफुसीय परिसंचरण, तीसरा कोरोनरी परिसंचरण और चौथा होता है यकृत निवाहिका तंत्र। पहला है दैहिक परिसंचरण। इसमें क्या होता है? जो बाया निलय होता है उसके अगले भाग से दाएं निलय, बाया निलय, ये बाया निलय हो गया, ये बाया आर्टरी, बाया
यहाँ से क्या होता है, महाधमनी से निकलती है, शरीर के प्रमुख सिरे से होता हुआ क्या जाता है, एक महाधमनी एक चाप बनाती है, वो वक्ष गुहा के नीचे उतर आती है। चाप बनाने से पहले महाधमनी जो होती है वो 3 शाखाओं से निकलती है जो सिर में जाती हैं। महाधमनी चाप बनाने के पश्चात वक्ष गुहा में उतर आती है, अब इसे उधर महाधमनी कहते हैं। वक्ष गुहा में आती है उसको क्या बोलेंगे, उधर महाधमनी कहते हैं। शरीर के सभी अंगों को में उधर महाधमनी से शाखाएं निकल कर जाती है। इस तरह दैहिक महाधमनी जो होती है वो शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर के साथ आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाती है। इन सभी अंगों में धमनी केशिकाओं से विभक्त हो जाती है एवं ये केशिकाएं जो होती है पुनः मिलकर शिरा का निर्माण करती है, जिसे अशुद्ध रक्त उपस्थित होता है। रक्त शरीर के रक्त सभी भागों से अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं आलिन में 2 ऊर्ध्व महाशिरा एवं 1 अधो महाशिरा द्वारा वापिस आती है, या रुधिर फुसफुसीय परिसंचरण द्वारा संभव होता है। फिर है दूसरा फुसफुसीय परिसंचरण, इसमें दाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं नीले में पहुंचता है। फुसफुसीय धमनी जो होती है इसे रुधिर फेफड़ों में लाती है। फुसफुसीय धमनी की 2 शाखाएं होती है, प्रत्येक शाखा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से यह रुधिर क्या करता है, शुद्ध करके अर्थात ऑक्सीजन कृत हो जाता है जो कि बाएं आलिंद में फुसफुसीय शिराओं में वापस आ जाता है। परिसंचरण तीसरा है, फुसफुसीय परिसंचरण के बाद है कोरोनरी परिसंचरण। कोरोनरी धमनी की शाखा प्रशाखाओं से रुधिर हृदय की प्रशाखाओं को जाता है। जो क्या होता है, कोरोनरी धमनी जो होता है, कोरोनरी आर्टिकल जो होते हैं उसकी शाखा से कहा जाता है हृदय की जो रुधिर होता है वो हृदय की शाखाओं को चल जाता है तथा हृदय पेशियों को दूषित कर वो रुधिर कोरोनरी शिरा द्वारा दाहिने आलिंद में आ जाता है। फिर चौथा है यकृत निवाहिका तंत्र। मनुष्य में केवल एक ही निवाहिका तंत्र पाया जाता है जो कि यकृत निवाहिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। वे सिराएं जो रुधिर को हृदय में न लाकर किसी अन्य अंग में कोशिकाओं का जाल बनाती है ना, हृदय में न लाकर क्या करता है, किसी अन्य अंग के कोशिकाओं का जाल बनाती है, उसे निवाहिका शिरा कहते हैं। दूसरी शब्दों में अगर देखेंगे तो सिराएं जो कोशिकाओं से शुरू होती है, जो सिराएं होती है वो कोशिकाओं से शुरू होती है और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाती है, निवाहिका शिरा कहलाती है तथा इस तरह के सिराओं से मिलने से बने तंत्र को क्या बोलते हैं, निवाहिका तंत्र कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। मनुष्य में पाया जाने वाला जो निवाहिका तंत्र होता है वो यकृत से संबंधित होता है, जो क्या करता है, यकृत निवाहिका शिरा या आमाशय से आने वाली आमाशयिक शिरा और आंत के विभिन्न भागों से आए हुए अग्र एवं पश्च्य आंत शिराओं से मिलने से बनती है, जो अधो महाशिरा से मिल जाती है। इस तरह आहार नाल जो होता है वो विभिन्न भागों में विभिन्न भागों से हृदय में न जाकर यकृत से होता हुआ जाता है, इस कारण इसे यकृत निवाहिका तंत्र ही कहा जाता है। छोटी आंत से यकृत निवाहिका शिरा द्वारा पचा हुआ जो भोजन होता है यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इस तरह से इस तंत्र में निम्न शिराएं उपस्थित होती है। पहला है लिनियोगैस्ट्रिक शिरा, यह शिरा आमाशय की दीवार तथा प्लीहा से रुधिर लाती है, स्प्लीन से रुधिर लाती है। फिर है ग्रहणी शिरा, ड्यूडोरियल वेन, यह ग्रहणी से रुधिर एकत्रित करती है। फिर तीसरा है अग्र आंत शिरा, यह शिरा जो होती है छोटी आंत चीकम तथा कोलोन से रुधिर एकत्रित करती है तथा पश्च्य आंत योजनी शिरा, इसमें क्या होता है, शिरा में मलाशय और गुदा से रुधिर आता है। फिर है लसिका परिसंचरण तंत्र। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो लसिका केशिकाएं होती है, लिम्फ कैपिलरीज जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटी पतली एंडोथेलियम से आस्तरित होती है, आधारीय कला होता है। इसका एक सिरा जो होता है ब्लाइंड होता है तथा दूसरा सिरा जो होता है एकीकृत होता है, जो स्थित सूक्ष्म केशिकाएं होती है, लसिका वाहिनियों का निर्माण करती है। लसिका वाहिनियां जो होती है वो लगभग संपूर्ण शरीर में पाई जाती है, किंतु मस्तिष्क, नेत्र, गोलक, मेरुरज्जु, अंतःकरण, अस्थि मज्जा आदि में यह अनुपस्थित होती है। छोटी आंत में उपस्थित लसिका की शिकाएं जो होती है लैक्टियल्स कहलाती है, जो काइल का एकत्रण करती है। लैक्टियल्स जो होता है वो पचित वसा, दूधिया, सफेद रंग का पदार्थ के अवशोषण में सहायता करती है। यह है मानव का लसिका तंत्र।
दाहिनी वक्षीय लसिका वाहिनी में स्थिर ग्रीवा वक्ष के दाहिनी भाग तथा दाहिने हाथ की लसिका वाहिनियां खुलती है। यह वाहिनी जो होती है वो दाहिने अंत से गुजर कर सीरा और सबक्लेवियल सीरा के मिलने के स्थान पर सीरा तंत्र में खुलती है। फिर यह दूसरा लसिका वाहिनियां लिम्फ वेसल्स ये असंख्य वाहिनियां होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती है और इसका जो निर्माण होता है वो बहुत सी लसिका केशिकाओं के माध्यम से होता है। ये संरचना में सीरा के समान होते हैं लेकिन इनकी दीवार जो होती है अपेक्षाकृत पतली होती है। शरीर के सभी लसिका वाहिनियां जो होती है वो मिलकर दो बड़ी तथा लंबी लसिका वाहिनियां बना देती है जिन्हें बाएं वक्षीय लसिका वाहिनी तथा दाहिनी वक्षीय लसिका वाहिनी कहते हैं। ये जो दाहिनी वक्षीय लसिका अपेक्षाकृत मोटी तथा 1.25 सेंटीमीटर लंबी होती है। बाएं लसिका वाहिनी सबसे लंबी 38-45 सेंटीमीटर की होती है। लसिका वाहिनी में सिर ग्रीवा वक्ष के बाएं भाग और बाएं हाथ के दोनों पैर बाएं हाथ तथा दोनों पैर आहार नाल वक्षीय एवं उदर गुहा के अन्य भाग में लसिका वाहिनी में खुलते हैं। इसका जो अग्र सिरा होता है वो बाई सब क्लेवियनल क्लेवियन तथा जुगलर के मिलकर स्थान पर सीरा तंत्र में खुलता है। इसका जो पिछला सीरा होता है वो डायफ्राम जो होता है हृदय और फेफड़े के नीचे यहाँ जो डायफ्राम होता है उसके उदर भाग में स्थित एक थैलीनुमा आकृति सिस्टर्नी कॉयली से जुड़ा रहता है। फिर है लसिका गांट। लसिका वाहिनियाँ कुछ स्थानों पर थैली समान लसिका की जो वाहिनियाँ होती है कुछ स्थानों पर थैली के समान रचना के रूप में परिरक्षित होती है जिसे लसिका गांट कहते हैं। यह लसिका वाहिनियों के फूल जाने के कारण निर्मित होता है। जो लसिका की वाहिनियाँ होती है वो फूल जाती है तो होता है। इन गांठों में WBCS तथा कुछ रक्षियों के निर्माण का कार्य करती है। लसिका गांठ की क्षमता के कारण रक्त के बाहर से आए हुए रक्त के जो बाहर है उससे आए हुए जो रोगाणु तथा रोग कारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लसिका गांठों में लसिका वाहिनी जो होती है अनेक पतली पतली प्रशाखाओं में विभाजित होकर एक जाल बनाती है जो कि रुधिर को छानकर साफ करने का कार्य करती है। यह लिम्फ गांठ की संरचना। लसिका गांठ कोशिकाओं के ऊपर एकल या गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। गर्दन आर्मपिट एवं उपस्थ या पेडू ग्रोइन की लसिका गांठें बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। जब कभी हमारे हाथ पैर इत्यादि में चोट लग जाती है तो संक्रमण हो जाती है तो उसमें यह क्या होती है संक्रमण से सूक्ष्म जीवों को मारने तथा इनके स्थान पर लसिका गांठों में बहुत से WBCS एवं लसिका एकत्रित हो जाते हैं जिससे उस स्थानों पर गोलाकार संरचना के रूप में उभार दिखाई देता है। फिर है लिम्फोइड ऑर्गन्स। लसिका अंग लसिका वाहिनियों से संबंधित कुछ छोटे अंग पाए जाते हैं जिसको लसिका अंग कहते हैं जो जैसे कि आज श्लेष्मा झिल्ली पर अंडाकार पुटिकाओं के रूप में उपस्थित लसिका पुटक तथा आमाशय के फंडिक भाग में डायफ्राम के बीज ग्रंथि में रचना के रूप में उपस्थित प्लीहा जो होता है वो लसिका अंग के उदाहरण है। फिर है परिसंचरण तंत्र के कार्य। परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है जिसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना यातायात में जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 को ऊतकों से श्वसन के पहुंचाने का कार्य। फिर होता है उपापचय माध्यमों में पदार्थों का परिवहन। रक्त परिसंचरण के क्रम में रक्त विभिन्न उपापचयी क्रिया के उपयोग किए जाने वाले तथा संश्लेषित होने वाले पदार्थों को दूसरे आवश्यक उत्तकों में ले जाया जाता है जैसे पेशी में बनने वाले लैक्टिक अम्ल रुधिर द्वारा यकृत तक ले जाए जाते हैं जहां इनका ऑक्सीकरण होता है। हार्मोन्स का परिवहन। जीवों में विविध वृद्धि प्रक्रियाओं तथा अन्य प्रकार्यात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों को रक्त एवं उनके निर्माण स्थल से कार्य स्थल तक पहुंचता है। फिर है पोषक पदार्थों का परिवहन। ये जो आहार नाल द्वारा पाचन के पश्चात जो अवशोषित पदार्थ होते हैं वो उनका परिसंचरण विभिन्न कोशिकाओं तथा अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। फिर है आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रिएटरी मटेरियल। परिसंचरण तंत्र का द्रव जो होता है अर्थात रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में बने उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों में तक ले जाता है। फिर है अंगों में स्फीति का नियमन। परिसंचरणीय द्रव के माध्यम से कुछ विशिष्ट अंगों में स्फीति आवश्यकता अनुसार विकसित होती है या कठोर हो जाते हैं। उदाहरण है स्तनांगों का कड़ा हो जाना तथा उभार आ जाना द्वारा अभिप्रेरित स्थिति का दशा होता है। फिर है पीएच का नियंत्रण। रुधिर अपने परिसंचरण द्वारा पूरे शरीर में पीएच को एक समान बनाए रखता है। फिर है समावस्था की स्थापना। रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया शरीर के विभिन्न पदार्थों का संवहन करके शरीर के समस्त भागों में एक आंतरिक स्थायित्व स्थापित करता है। ताप का नियमन। परिसंचरणीय द्रव परिसंचरण तंत्र में अपने निरंतर बहाव के कारण पूरे शरीर के तापमान को एक ही समान बनाए रखता है। फिर है घाव का भरना हीलिंग ऑफ वाउंड्स। शरीर के किसी हिस्से के कट फट जाने पर रुधिर उत्तक के स्थान पर भरना आरंभ कर देता है और अंत में थक्का बनाकर रक्त स्त्राव को रोकता है तथा साथ ही घाव को भरने हेतु उपयुक्त स्थिति का निर्माण करता है। फिर है हृदय। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हृदय तरंग मापन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
हृदय जो होता है उसका विद्युत तरंगों के द्वारा हृदय की पेशियों में जो संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है उसका ग्राफ के रूप में रेखांकित करना एक विशिष्ट उपकरण के द्वारा किया जाता है, जिसको विशिष्ट उपकरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इंथोवेन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जनक माना जाता है, जो शिथिलन और संकुचन की क्रिया को बताता है, जो सीधा आलिंद नोड से शुरू होकर निलय को जाता है। इन तरंगों को हृदय से दूर एक उपकरण के द्वारा नापा जाता है, हृदय से दूर एक तरंग के द्वारा नापा जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECG, जो हृदय स्पंदन में तंत्रिका एवं पेशियों द्वारा उत्पादित वैद्युत संकेतों को बतलाता है तथा उसको लिपिबद्ध करता है। कार्डियोस्कोप सबसे सरल ECG मॉनिटर होता है, इसे रोगी के शरीर में 3 इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है जो कि लघु विद्युत संकेतों की पहचान करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो छाती के ऊपरी हिस्से में जोड़ा जाता है जो हृदय के ऊपर होता है, तथा तीसरा भुजा से संबंधित रहता है। त्वचा पर संग्रहित संकेत सिर्फ कुछ मिली वोल्ट्स के होते हैं, जिसे ऑसिलोस्कोप स्क्रीन के द्वारा दर्शाते हैं। संवेदन शीत के अभिलेख करने के पूर्व प्रवर्धित किया जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है बाहर या अधिक इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। वक्ष में 6 विभिन्न स्थानों पर इसको जोड़ दिया जाता है और उसको 3D चित्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के आवेगों को एक कागज के ऊपर ग्राफ के रूप में व्यक्त करता है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसमें क्या होता है, P तरंग होता है लहर, तथा QRS समिश्रण, तथा T तरंग होता है। QRS में 3 अलग अलग तरंग होते हैं, QR और S। P तरंग छोटा होता है जो ऊपर की ओर जाने वाला होता है, जो कि आलिंद के ने ध्रुवीकरण को साइनस नोड के आरंभ होकर सारे आलिंद में फैलते हुए उसको दर्शाता है। दूसरा तरंग होता है QRS जो P तरंग के बाद आता है। ये देखो, ये P तरंग हो गया, फिर यहां पे आ गया PQRS, फिर हो गया TVM, ठीक। नॉर्मल हार्ट बीट ऐसा होता है, फास्ट ऐसा होता है, स्लो हार्ट बीट ऐसा होता है, और इरेगुलर हार्ट बीट इस प्रकार का दिखाई देता है। तो जो लघु अधोमुखी होता है वो निक्षेप क्यू के रूप में आरंभ होता है, उसके बाद यह ऊपर की ओर जाता है जिसको बड़ी त्रिकोणीय तरंग R बन जाती है, अंत में अधोमुखी तरंग S होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में P स्थित आलिंद नोड में आवेग की उत्पत्ति, पी क्यू के बीच का स्थान आलिंद संकुचन, क्यू आर एस का उत्थान सिरा, तथा आलिंद नोड के आवेग आर एस के बीच संबंध को दिखाता है, ठीक है। टी जो होता है, टी लहर जो होता है नीले के शिथिलन के प्रारंभ को प्रदर्शित करते हैं, इसको चित्र में दिखाया गया है। आदर्श इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसी भी प्रकार का विचलन हृदय की गति की अनियमितता को व्यक्त करता है। पी तरंग और टी तरंग में अंतर क्या होता है, तो जो पी वेव होता है वो ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न क्रियात्मक विभव के कारण होता है। टी नोड जो होता है वो पुरकिंजे तंतुओं की उत्तेजनाओं के कारण होता है। पी वेव जो होता है वो आवेगों का दोनों आलिंदों में फैलाव को दर्शाता है, जबकि ये नहीं दर्शाता। पी वेव जो होता है आलिंद पेशियों के अध्रुवीकरण को दर्शाता है, और इसमें ये निलय के पेशियों के अध्रुवीकरण को दर्शाता है। पी वेव जो होता है इसमें दोनों आलिंद संकुचित होते हैं, जबकि टी वेव जो होता है इसमें निलय के संकुचन का अंत तथा शिथिलन का आरंभ होता है। इसके बाद है परिसंचरण तंत्र संबंधित अनियमितताएं और रोग। परिसंचरण तंत्र में भी अनियमितताएं होती हैं जिनसे कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट से संबंधित जितने भी बीमारियां आती हैं, है ना, जिसमें पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो लेसन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे जो टॉपिक थे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। हृदय की संरचना और हृदय का जो कार्य है इस लेसन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़े क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। इसके साथ हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। CG शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।